अगर मियाँ बीवी के बीच में नफरत पैदा हो गई है और उन दोनों में प्यार मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, या सास बहू में झगड़ा होता रहता है उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, या घर परिवार के किसी भी शख्स के दिल में नफरत हो रही है और आप उसको प्यार मोहब्बत में फंसाना चाहते हो, यानी कि घर परिवार की मोहब्बत में फंसाना चाहते हो, तो आज मैं आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा पावरफुल वजीफा बताऊंगा। आज मैं जो वजीफा आप सभी को बताऊंगा, ये वजीफा प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होता है। अगर आप भी जानना चाहते हो दुआ क्या है, किस तरह से पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है और कितने दिनों तक पढ़नी है, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आखिर तक मेरे साथ बने रही है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी के भी दिल में प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए सबसे पहले आपको एक पाक साफ सुथरा प्याला लेना है और फिर उसमें थोड़ा सा पानी भरकर 786 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना है और फिर पानी पर दम कर देना है और ये सारा पढ़ा हुआ पानी उसको पिला देना है जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो। इंशाल्लाह जैसे ही आप एक प्याला पानी रोगी को पिलाओगे तो उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी, नफरत उसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और दोस्तों इस अमल को आपको 41 दिन के अंदर 4 बार करना है। जैसे ही इस अमल को आप मुकम्मल कर लोगे तो आप देखोगे कि सामने वाले के दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार पैदा हो चुका है। आपको इस वजीफे का असर पहले दिन से ही, पहली बार से ही देखने को मिल जाएगा। आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी फायदा उठा सके। तो शेयर करते रहिए।